गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कई लोग शासन की योजनाओं से वंचित है। ऐसे में कमलनाथ सरकार एक अभियान चला रही है जिसके माध्यम से अपात्र लोगों की जगह पात्र लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। इसी को लेकर खरगोन जिले में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें खाद्य विभाग, नगर पालिका और जनपद सहित ब्लॉक स्तर पर घर घर जाकर दस्तक देगा। वहीं शासन की लिस्ट से अपात्र लोगों को हटाकर पात्र लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। इस दौरान जिला खाद्य अधिकारी नुहजत फताई ने इस बात का खुलासा किया कि अभियान के अंतर्गत टीमों का गठन किया है जो शासन की मंशा को आम लिजामा पहनाकर पात्र लोगों का चयन करेगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सत्यापन अभियान पूरे जिले में 18 तारीख से हम लोगों को शुरू करना है। शासन की ये मंशा है कि हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो हमारा अधिनियम है उसमें जितने पात्र परिवार हैं जिनको हम पीडीएस योजना के तहत हमारे खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराते हैं, इस योजना में जो भी अपात्र लोग यदि सम्मिलित हैं तो एक सर्वे कराकर उन अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर करना है। और जो पात्र लोग जिनकी पर्चियों के लिए वो वेट कर रहे हैं, पर्चियां लंबित हैं, और उनको इस योजना में हम लोगों को सम्मिलित करना है। ये तभी संभव है जब अपात्र लोगों को हम इस व्यवस्था से बाहर कर सके। तो एक सत्यापन अभियान डोर टू डोर कैंपेन के रूप में पूरे जिले में आयोजित किया जाना है जिसके लिए हर नगर पालिका और जनपद स्तर पर अलग अलग ब्लॉक लेवल के हमारे सत्यापन दलों का गठन किया गया है। पूरे जिले में लगभग 1780 दल हैं जो घर घर जाएंगे और लोगों से उनके दस्तावेजों का संकलन करेंगे और उनकी जो भी पात्रता है उसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद वो जानकारी विभाग को सबमिट की जाएगी और वरिष्ठ स्तर से निर्णय लिया जाएगा कि कौन लोग पात्र हैं और कौन अपात्र हैं, और व्यवस्था को फिर सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। क्या नाम आपको? मेरा नाम नुजहत बकाई, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।